वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल DTH ट्रिक्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नए डिजिटल सेटेलाइट मीटर की अनबॉक्सिंग और पूरा रिव्यू करने वाला हूं, तो इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये है सेटलिंग कंपनी का डिजिटल सेटेलाइट मीटर जो कि DVB-S2 को सपोर्ट करता है, जिसका मॉडल नंबर है WS6933। तो ये दोस्तों इस तरह की पैकिंग में आता है और ये मुझे भेजा है Bengu.com ने इसकी अनबॉक्सिंग और पूरा रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखनी है तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके पूरे के पूरे फीचर यहाँ पे दिखाए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये DisQC को सपोर्ट करता है, जो इसकी LNB पावर सप्लाई है वो 18 वोल्टेज बाय 13 वोल्टेज को सपोर्ट करती है। बीप इंटीग्रेटेड है इसके अंदर और 800 mAh की लिथियम आयन बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। 12 वोल्टेज 1 ampere का DC एडाप्टर मिलता है और USB पोर्ट है सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। मैकेनिकल कंपास मिल जाता है और टॉर्च इंक्लूड है इसके अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग में आता है, तो ये देखिए। और पीछे की तरफ भी दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ फीचर लिखे गए हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो इसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी है 950 से 2150 मेगाहर्ट्ज़ की है और जो इसका कनेक्टर टाइप है वो फीमेल कनेक्टर है। और बाकी देखिए सारे के सारे फीचर यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। 800 mAh की इसमें बैटरी है और DisQC को सपोर्ट करता है। तो देखते हैं दोस्तों, इस तरह के आप मीटर है तो पैकिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। तो अब मैं दोस्तों ओपन करके बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो कुछ इस तरह से ये ओपन होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है इसका। इसको पढ़ के दोस्तों आप इसको इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है आपको। तो देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद में आपको एक ये ग्लास मिलता है। अगर आपका दोस्तों मीटर का जो ग्लास ख़राब हो जाता है ऊपर का, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ये प्लग अडेप्टर मिलता है और साथ में आपको एक USB केबल मिलती है सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों एक टाई बेल्ट है। अगर आप दोस्तों कहीं ऊंची जगह पे काम कर रहे हो और मीटर को रखने की जगह नहीं हो, तो आप इसको लगा के दोस्तों मीटर को गले में टांग सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक पावर अडेप्टर मिलता है इसको चार्ज करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और जो दोस्तों इसकी आउटपुट रेटिंग है 12 वोल्टेज 2 ampere की है। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये आता है। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में है हमारा मीटर। तो ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह का है मीटर। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का मीटर मिलता है जहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर मॉडल नंबर लिखा गया है इसका WS6933। और यहाँ पे दोस्तों इसकी जो LEDs हैं वो दी गई है, पावर की 22K टोन की, 13 वोल्टेज, 18 वोल्टेज, लॉक की और चार्ज की। यहाँ पे टॉर्च का बटन दिया गया है और एक LED डिस्प्ले दी गई है। सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे बता देता है ये क्वालिटी। और कंपास दिया गया है, साथ में कुछ बटन दिए गए हैं और यहाँ पे सेटलिंग की ब्रांडिंग की गई है। तो देखते हैं दोस्तों, और इसके साथ में आपको एक केस मिलता है जो कि सिलिकन का केस है, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका जो स्पीकर है वो दिया गया है और ये पीछे की तरफ एक टॉर्च दी गई है। और यहाँ पे आपको 2 पोर्ट दिए गए हैं, एक DC का पोर्ट है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये DC का पोर्ट है, और एक USB का पोर्ट है सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। और ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे एक LNB इन का पोर्ट दिया गया है और पावर ऑन ऑफ स्विच का है यहाँ पे। तो ये देखते हैं, ये आपको मिल जाते हैं इसमें। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, तो ये ऑन हो चुका है। ये देखते हैं सेटलिंग की जो लोगो है वो आ चुका है। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको मेन्यू मिलता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे बैटरी दी गई है। तो ये देखते हैं कुछ इस तरह से इसमें मेन्यू मिलता है। सेटेलाइट सेटिंग मिलती है, सिग्नल स्कैन का ऑप्शन मिलता है, टूल्स मिलते हैं, सेट मैनेजर मिलता है, TP मैनेजर मिलता है और सिस्टम सेटिंग मिलती है। तो सेटेलाइट सेटिंग में दोस्तों यहाँ पे आपको सेटेलाइट सिलेक्ट करनी होती है जो आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो देखते हैं अभी DD3D से अगर आप यहाँ पे सेटेलाइट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेटेलाइट ऐड होती हैं, आप कोई भी नई सेटेलाइट अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, और अगर TP चेंज करना चाहते हैं तो TP भी आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। और इसमें आपको सिग्नल स्कैन का ऑप्शन मिलता है। तो ये देखते हैं यहां पे दोस्तों आपको सिग्नल बता देता है इसके अंदर। और फिर टूल्स मिलते हैं जहां पे दोस्तों एजीम्यूथ एलिवेशन और पोलराइजेशन का ऑप्शन मिलता है जो आप यहाँ पर देखते हैं। और फिर सेटेलाइट मैनेजर मिलता है जहाँ से आप किसी भी सेटेलाइट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ से आप कोई भी सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं नई इसमें, और एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। TP मैनेजर में आप दोस्तों यहाँ पे कोई भी नई TP अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं
और डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सेटेलाइट सेलेक्ट करना होगा कि कौन से सेटेलाइट की टीपी आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टीपी ऐड करनी होगी। फिर इसके बाद में तो ये देखते हैं, और फिर आपको सिस्टम सेटिंग मिलती है। सिस्टम सेटिंग में दोस्तों आपको सबसे पहले OSD लैंग्वेज मिलती है, की टोन मिलता है, लॉक टोन मिलता है, फ्लैश लाइट, PWR यूनिट, लोकल लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड का ऑप्शन मिलता है। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर वर्जन और हार्डवेयर वर्जन दिया गया है। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा ये मीटर है। और यहाँ पे दोस्तों इसमें टॉर्च दी गई है, ये देखिए, यहाँ से टॉर्च का बटन आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप कहीं रात में काम कर रहे हैं तो ये इससे भी आप इसमें डिसेट कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है इसे डिसेट करना, बहुत ही अच्छा मीटर है। और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी प्राइस भी चेक कर सकते हैं, और इसको अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा मीटर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।